जी थोड़ा बहुजन क्रांति जी की सवाल ले लेते हैं। बहुजन क्रांति, जी स्वागत है आपका। ये पहले भी बहुत कुछ कमेंट कर रहे थे, तो अभी आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं बहुजन क्रांति जी? बहुजन क्रांति, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? बोले आप बोले बोले। हाँ आप सुन पा रहे बोले। हेलो जी, आपके कुछ सवाल थे, आपने पहले भी, हाँ, आपके कुछ सवाल थे तो आप सवाल पूछ सकते हैं, बोलिए। मेरा ये कहना था कि इस तरह आप फर्जी किताब के सपोर्ट क्यों करते। वो पेरियार जो है ये हिंदू विरोधी लोग थे। ऐसे लोग बहुत से किताब लिखते रहते जो समाज सुधारक था, ढोंगी सुंदर समाज सुधारक होते। ऐसे लोग जो कि सिर्फ समाज सुधारक के नाम पे हिंदू देवी देवता के नाम बदनामी किए जाती। ऐसे लोगों को हम ढोंगी समाज सुधारक कह सकते, बाकी कुछ सब लोग नहीं। शांत हो जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत हो जाइए, बी क्वाइट। ओके अच्छा ओके। तो ओके, हिंदू देवी, अरे सब रामनवमी शांत हो इधर। जाइए भाई, सब शांत हो जाइए। हाँ आप हाँ, बोलिए, पूरा बोल दीजिए, पूरा बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ब्राह्मणों की अगर कोई वर्चस्व उखाड़ फेंका होगा तो ये वो अकेले शाहू महाराज जी थे जिन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व उखाड़ फेंका था। जैसे बहुत समाज सुधारक हुए जिन्होंने धर्म की सुधारणा की, लेकिन बाकी के जो समाज सुधारक है, जो ललित सिंह यादव हो, पेरियार हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, या महात्मा ज्योतिबा फुले, इस तरह के लोगों ने समाज सुधारक के नाम पे सिर्फ हिंदू देवी देवता के बदनामी किए। और ऐसे लोगों ने, ऐसे लोगों को हम हारे हुए लोग कह सकते, जो समाज सुधारक में हार गए इसलिए उन्होंने हिंदू देवी देवता का अपमान किया है और तरह तरह की अश्लील बातें लिखी। अच्छा मेरा सब ये शांत हो कहना जाइए। अच्छा ओके ओके ओके, सब शांत हो जाइए। आपकी बात खत्म हो गई। था। हाँ, ओके आप बताइए, हिंदू देवी देवता जितने भी है एग्जिस्ट करते हैं कि काल्पनिक है? काल्पनिक कैसे हो सकते? कैसे आपके मन बुद्धि अच्छा उनको मतलब फॉसिल फ्यूल्स मन दिखा बुद्धि? दीजिए, फॉसिल फ्यूल दिखा, हाँ, फॉसिल्स दिखा दीजिए, फॉसिल जो है धरती के अंदर गड़ा हुआ वो दिखा दीजिए। जरा आप अपने डायनासोर को अर्थ देखिए, आप बताइए डायनासोर काल्पनिक है कि असली है, बताइए। डायनासोर शॉर्ट डायनासोर? रहते थे कि नहीं? हाँ नहीं, बताइए। डायनासोर तो हुए थे, इसका कोई कोई हुए थे? विरोध नहीं हाँ कर हाँ सकता। साइंस भी कहती है विरोध नहीं कर नहीं, सकते। डायनासोर हाँ हुए क्यों थे। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता ये बताइए आप। फॉसिल्स नहीं, मिले हैं ना उनके धरती से खोद के, तो हिंदू देवी हाँ देवता के भी फॉसिल्स मिले होने मिले। चाहिए धरती से खुद के। हाँ बताइए हिंदू देवी देवता के कौन कौन से है वो फॉसिल जो खुदाई में मिले हैं, आप बताइए। मुझे बताओ, ठीक है, जाने दो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ आपके बताइए। पास अपने पूर्वजों की लाठी है? आपके पास, बताओ जा रहा हूँ मुझे, आपके पास लाठी है क्या? आपके पूर्वजों की चश्मा है या चप्पल है आपके पास? बताओ अच्छा मुझे। उस समय चश्मा हुआ करता था। नहीं अच्छा हो अच्छा गए चश्मा, ओके 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 ओके। आज से 1,000 साल पहले चश्मा हुआ करता था, 1,000 साल पहले चश्मा हुआ करता था भाई। अच्छा नई बात बता दी इन्होंने। ओके 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 ओके। रुकिए सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। एक चीज आप बताइएगा कि भाई डीएनए नाम का कुछ चीज सुना है आपने? हाँ, सुना है। डीएनए क्या होता है? हाँ क्या होता है बताइए। उसके आधार पे पता चलता है व्यक्ति की संपूर्ण पूरी डिटेल निकालते हैं हम। हाँ क्या क्या डिटेल निकालते जरा ये भी बता दीजिए उससे। आप बोले दो, सिर्फ सवाल जान दो नहीं इसके नहीं आप ऊपर। कुछ बोल रहे थे ना, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हम तो पूरा हम सब शांत, सब शांत हो जाइए भाइयों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे डीएनए के बारे जी, में। आपको हाँ पूरा ठीक मौका दिया जाएगा, बोलिए बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ जी बोलिए। डीएनए के ऊपर मैं इतना ही जानता हूँ कि पूर्वजों के जो खोज, जो दबे हुए रहते हैं पौराणिक वस्तु, उस पर खोज किए जाती है। क्या आपके उसके पास भी तरफ डीएनए से है? क्या आपके पास कार्बन डीएनए है? आपके डेटिंग पास होती है डीएनए? उस पर, सब शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए, इसके निष्पक्ष हो ऊपर जाइए, कार्बन बताइए। डेटिंग होती है।
और उसके आधार पर पता चलता है कि वो कितनी पुरानी है। हाँ तो भाई लाठी का आप क्यों पूछ रहे थे, पूर्वजों की लाठी, जब डीएनए है तो। वो तो आपका सही माना, सही आपका। हाँ। डीएनए पूर्वजों का चश्मा तो है मेरे अच्छा आप पास। ये हिंदू देवी देवता को प्रमाणित कीजिए, इमेजिनरी है कि रियल है, आप बताइए कैसे रियल है, प्रमाणित कीजिए हिंदू देवी देवता, वहां पे आते आइए कीजिए। रियल है हिंदू भगवान। हाँ कैसे रियल है, बहुजन बहुजन क्रांति का आपको, हाँ बहुजनों को अगर भला करना है तो किसी के भगवान के अपमान करना, किसी का भावनिक धार्मिक भावना दुखाना, यह अच्छी बात नहीं मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है वो सब समझ गए तो, बट इससे ये साबित थोड़ी होता है कि देवी देवता जो है सच रियल है, भारत मतलब सेंटिमेंट का हाथ हो जाने से उसे थोड़ी प्रमाणित हो जाता है कि देवी देवता रियल है। अच्छा रक्षित जी, थोड़ा इनसे मैं सवाल कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा बहुजन क्रांति जी, आप ये बताइए, आप कह रहे हो कि ये जो आपने शुरुआत में कहा था जैसा कि सच्ची रामायण, ये फर्जी लोग थे और फर्जी ये समाज सुधारक थे, तो आप ये बताइए इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी फर्जी हो गया आपके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी है और 1971 में ललित सिंह यादव हैं उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट से 2 जजों के पैनल पे ये केस जीता था और हाई कोर्ट की तरफ से उनको मुआवजा दिया गया था, तो बताइए क्या आप हाई कोर्ट को भी फर्जी मानते हो? नहीं, अब देश पहले के न्यायालय को कैसे फर्जी मान सकते, देश का तो फिर न्यायालय देश का हमारे के देश की तो एक आपने ये आधार एक स्तंभ है, सेकेंड आप उप जाएगी। जो, हाँ जब आप उसको फर्जी नहीं मान सकते तो आप ये बताइए कि जैसे लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ था मैंने किताब के पन्नों में केस नंबर सहित सारी डेट्स और सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी थी, तो आप वो देख लीजिए और फिर बताइए कि जब ये इस चीज को कोर्ट मान्यता दे रही है और कोर्ट से केस जीते हुए हैं, तो आपकी जो वाल्मीकि रामायण है ना उससे ज्यादा ऑथेंटिकेट ये बुक रखती है, ऑथेंटिकेशन उससे ज्यादा ये रखती है सच्ची रामायण, फिर आप ये फर्जी समाज सुधारक किसे बोल रहे हैं आप ये बताइए। फर्जी को आप इस फर्जी पे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई। ठीक है तो वही बोलता तो हूँ मैं मैं, कह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट, इस पे हाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको क्या कहेंगे उसके बारे में हाँ बताइए थोड़ा अपनी राय, फिर मैं। हाँ वो कोर्ट का क्या होता है, हार जीत चार हाँ कोर्ट ने 3 बार हुआ था है ना, तो 3 ही बार हाँ हमारे बाजू में केस हार गई थी, तो हाँ उनकी हाँ पावर ललित सिंह के बाजू में पावर ज्यादा होने के कारण जीत गए होगी, अब उसके आप पर क्या बोल सकते हैं हम, ओ भाई, है ना। ओ भाई भाई ललित सिंह के पास पावर, अभी बताइए भाई भक्तों में ज्यादा पावर है या जो अभी इंडिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यहाँ पे रैशनल रैशनलिस्ट ज्यादा हैं या फिर धार्मिक ज्यादा हैं आप देख लीजिए, तो जिस जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसमें ज्यादा पावर होगी और वहां वही लोग बैठे हैं जो धर्म को सपोर्ट करते हैं और धार्मिक खुद ही हैं वो, लेकिन कोर्ट में जजमेंट उसी की तरफ जाता है जिसके पास प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अवेलेबल होते हैं और जो दिखाता है वही फैसला जीत पाता है। हाँ तो मग उनके पास प्रमाण ज्यादा हो गए, इससे इसके कारण जीत गए होगी वो केस उनके वकील के पास। हाँ तो फिर फर्जी किसे कैसे बोला आपने कि ये फर्जी थे? और दूसरी बात आप ये कह रहे हो ना हिंदू धार्मिक देवी देवताओं की हम लोग अवहेलना करते हैं या अपमान करते हैं जिससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो आप ये बताइए हम लोगों ने अभी अपने तरफ से क्या बोला, आप मेरा वाल्मीकि रामायण पे वीडियो देखिए, आपकी वाल्मीकि रामायण को तो ऑथेंटिक मानते हो ना आप, उसको तो सही मानते हो कि नहीं मानते हो उसको भी, वो तो हमने नहीं लिखी ना हाँ या हम मानता उसमें हूँ, से नहीं देखा, हाँ हाँ तो मानता उसमें से मैंने दिखाया है कि सीता का कितना अश्लीलतापूर्ण राम ने वर्णन किया है, उनके बारे में अश्लीलतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया और हनुमान ने अश्लीलतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है बार बार उनके स्तन के बारे में जांघों के बारे में और इतनी इतनी अश्लील बातें आई हैं, तो उसको आप बताइए उस पे आप जब खुद पढ़ते हो तो उससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती, आप उसके ऊपर लेखक के ऊपर तब सवाल क्यों नहीं उठाते कि इतना अश्लीलतापूर्ण हमारे जो आराध्य के बारे में लिखा है, तब उसके बारे में आप लोग कितनी बार विरोध करने निकल कर सड़कों पे आते हो कि रामायण को फर्जी घोषित कर देना चाहिए क्योंकि इसमें अश्लीलतापूर्ण लिखा है।
तो आप नैतिक क्यों नहीं है, आप ये बताइए, दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? क्या हुआ है, आपने राजू दीक्षित के जो वीडियो देखे, देखिए नहीं, मैंने मैंने नहीं देखी किसी की वीडियो, आप यहीं पे आप यहाँ की बातें कीजिए, आप किसी की वीडियो के बारे में, एक मिनट, दरिली सजाद नहीं नहीं बोलना चाहता हूँ, राजू दीक्षित के बारे में बोलना चाहता हूँ, राजू दीक्षित उसी राजू दीक्षित की बात कर रहे हैं ना जो कहता था कि ये योगा कर लो वो कर लो तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, सांसे फूंक लो तो हार्ट अटैक है ना, खुद हार्ट अटैक से मर गया, उसी बात कर रहे हैं ना। अच्छा सर, तो ये राजीव दीक्षित की तो वीडियो देख लीजिए, मैंने उनको कितनी बार एक्सपोज किया है। कट्टरपंथी को आप लेकर के ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा जो पहले बोल दीजिए, आप चुप कहां हैं, तो बोल दीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलिए। हाँ, उसमें जो मनुस्मृति पे जो बोला था कि अंग्रेजों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों में किस तरह मिलावटी की है, तो उन्होंने कहा नहीं था क्या रामायण में तरह तरह का ग्रंथों ने मिलावटी की? सब शांत हो जाइए, आप लोग शांत रहिए, इनको बोलने दीजिए, सब शांत हो जाइए। वो क्या है, वो जितना भी लिखा हुआ है वो सब मैक्सुलर ने मिलावट की। मैक्सुलर नाम का एक जर्मन था, तज्ञ था, विद्वान, उसे पता था सब संस्कृत के बारे में। हमारे विद्वान क्या कर रहे थे, हमारे विद्वान क्या कर रहे थे? शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। अरे नहीं रक्षित जी इनको पूछने दीजिए सवाल, इनसे जब पूछेंगे नहीं तो इनको, ये क्या है कि व्हाट्सएप का जानकारी लेकर के आते हैं, बेचारे को समझ में भी नहीं आता इनको पूरी बात है। फिर बाद में जी रक्षित जी, हाँ अच्छा ठीक है, आपने बता दिया, इन्होंने व्हाट्सएप की जानकारी लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, तो और जो ये व्हाट्सएप पे टुन्नी लोग इनको भेजते हैं ना, इसी से इनको लगता है। राजीव दीक्षित के मैंने सवाल किया था कि क्या आप उसी राजीव दीक्षित की बात कर रहे हैं जो हार्ट अटैक में मर गए थे, आप इन्होंने जवाब नहीं दे रहे हैं हाँ में या ना में? अरे वो भी छोड़ दीजिए, ये क्यों छोड़ेंगे, जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना सर, जवाब तो दीजिए। हाँ ठीक है, उस पे भी आएंगे। अच्छा सर, बहुजन क्रांति जी, आप जवाब, बहुजन का नाम क्यों रखा आपने? हिंदू धर्म के जो जितने भी दलित, जो हिंदू बात हिंदू की नहीं होती यार, एक मिनट सुनिए, आपको ये समझ में नहीं आता कि हमारे किसी भी पुराणों में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, पता है कि आपको जानकारी है इस बात की? इनका नेटवर्क वीक लगता है, नहीं 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 पता है, तो फिर क्यों आप हिंदू हिंदू बीच में लेके आ रहे हैं? आप हिंदू ही तो बोलते, आप दूसरा नाम तो थोड़ी बोलने से नहीं होता, रियलिटी जो बात होती है, आप जब वेद पुराण की रक्षा करने के लिए आए हुए हैं तो वहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं है, फिर आप बार बार उसमें क्यों शामिल कर रहे हैं उसको आप? एक मिनट, मेरे दो सवाल का जवाब एक भी नहीं दिया आपने, मेरे दोनों सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने बहुजन क्यों रखा आपने, बहुजनों को तो यहाँ पे सताया गया, तड़पाया गया, परेशान किया गया, अब तो पता ही भी है, अब जानते भी हैं इस बात को, पुराना ना हिंदू धर्म का पुराना नाम सनातन धर्म है। अच्छा, अब सनातन नहीं रहा ना, उसका नाम बदल गया है। अब रुक जाइए, सब शांत हो जाइए, पहला चीज आपने कहा, रुकिए सब शांत हो जाइए, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। बहुजन क्रांति जी, पहला आपका आरोप था मनुस्मृति में मिलावट कर दिया, मार्क्स मिलर संस्कृत जानता था, सही राइट, आपने यही कहा अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो भाई मैक्स मुलर संस्कृत जानता था, हाँ, जितने भी ग्रंथ, सिर्फ मनुस्मृति नहीं, जितने भी ग्रंथ है उसमें सब मिलावट। रुके, मेरे को पता, सभी ग्रंथ में मिलावट कर दिया, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज हमसे ज्यादा जानते थे संस्कृत, आप ये मानेंगे अंग्रेज हमसे ज्यादा जानते थे संस्कृत के बारे में और वो कुछ भी कर सकते थे? उनकी सत्ता थी तो वो कुछ भी कर सकते थे, इसलिए मानते हैं, करेक्ट, बट क्या ये मानेंगे कि भाई संस्कृत का नॉलेज भी उनका उतना ही अच्छा था, ज्यादा अच्छा था इंडिया के लोगों से, तभी तो जाके मिलावट किए होंगे ना, मतलब इसका मतलब संस्कृत का नॉलेज उनका ज्यादा अच्छा था हमारे लोगों से, तभी इन्होंने मिलावट किया होगा। नहीं मतलब ब्राह्मणों के पास, संस्कृत का ब्राह्मणों के पास ज्यादा था,
हाँ ब्राह्मणों के पास, ओके ठीक है, ब्राह्मणों के पास ज्यादा था, बट फिर अंग्रेजों ने मिलावट कैसे कर दिया? अगर उनका नॉलेज ब्राह्मणों से कम था तो भाई मिलावट कैसे कर दिया? संस्कृत का नॉलेज ब्राह्मणों से कम था तो मैंने अभी तो बात बोला था, मैक्सुलर का नाम नहीं बताया कि अच्छा मैक्सुलर। अच्छा बताया एक सेकंड एक सेकंड रक्षित जी, मैं इनसे ये कह रहा हूँ, जब मैक्स मूलर इनके ग्रंथों में मिलावट कर गया, तो फिर ये बताओ जो आपके धार्मिक गुरु हैं या जितने भी आप जो इनका समर्थन करते हो कि वो मिलावट कर गए हैं, तो फिर आप ये बोझा क्यों मूड़ पे रख के ढो रहे हो, सर पे ये लादे इतना बोझा क्यों हाँ, ढो रहे इसका हो? मतलब आग हिंदू लगा देवी दीजिए देवता इनको, को आग लगा मिलावट दिए किया, इन ग्रंथों को, जब अंग्रेजों ने मिलावट ही हो गई मिलाया होगा इनका। हिंदू देवी देवता, आप ये मानेंगे अंग्रेजों ने ही मिलावट किया होगा हिंदू देवी देवता का, तो क्यों मान रहे इसे? हिंदू देवी देवता को फिर नहीं मानना चाहिए, अंग्रेजों का मिलावट है, हो सकता है ये भी तो। वो कैसे हो सकते हिंदू? अभी अभी तो आपने कहा अंग्रेजों ने सभी ग्रंथों में आखिर मिलावट किया, तो हो सकता है उन्होंने मिलावटी राधा चीजें क्यों ढो रहे हैं? राम भोजन क्रांति से लक्ष्मी मिलावटी विष्णु चीजें सब क्यों ढो डाल रहे दिया हैं? हो ग्रंथों में, क्या पता? अभी अभी तो आपने कहा भगवान को सबूत की जरूरत नहीं था, अनुभव की जरूरत होती है, यही कहना अनुभव चाहता हूँ किया। मैं। अच्छा आपने आपने किया क्या अनुभव? अनुभव किया है? आपने भगवान को देखा है जैसे आप निश्वर रमेश जी को देख सकते हैं, क्या वैसे ही आपने भगवान को देखा है? अब साइंस कहती है कि भाई अरे साइंस की एलियन बात होते हैं। छोड़ो, साइंस की साइंस की छोड़ो बात भाई, छोड़ो, साइंस की आप बात अपना छोड़ो, अनुभव बताओ, अपना अनुभव अनुभव बताओ। बताइए, जैसे अनुभव, रमेश जी एक्सपीरियंस दिखाई दे बताइए रहे आप। थे हम सबको, वैसे ही आपने राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, विष्णु को देखा है, बताइए। पहले वो बोलता हूँ, साइंस कहती है कि एलियन होते, तो हम साइंस की बात नहीं, साइंस की बात साइंस नहीं, साइंस साइंस की नहीं, बात वो आप सूडो साइंस कहती है, आगे सूडो बताओ। साइंस कहती है। नहीं, रचित और रेडी साजाद को मैं कहूंगा कि ये साइंस की बात ना करें, इनसे खाली एक ही बात पूछी है कि आप बताएं, आप साबित करें, भगवान आपका व्यक्तिगत को अनुभव साबित करें, बताइए। आपने साइंस बोला को बिगने क्यों हाँ घुस रहे हैं हाँ आप? हाँ रुकिए, क्रांति अभी अभी आपने बोला, प्यार से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आपने अभी अभी बोला कि पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव, ठीक है भाई? साइंस तो भगवान को भाई नहीं देखा, हजारों, रुकिए, हजारों नहीं साइंटिस्ट हजारों कुछ बातें कह जाते हैं, ठीक है? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या आपने राम या कृष्ण या हनुमान या कोई भी हिंदू देवी देवता को उस तरीके से देखा जिस तरीके से आप रमेश को देख रहे हैं? बताइए बस अपना पर्सनल अनुभव इस नहीं देखा, पर्सनल। आज तक नहीं देखा, ये मान नहीं नहीं करता। देखा ना? अच्छा, फिर आप कैसे मान लिए इन देवी देवताओं को? फिर ये नहीं, ये किस आधार पर कह रहे थे कि अनुभव की जरूरत है? इन्होंने अनुभव खुद नहीं किया, फिर दूसरों को सलाह क्यों दे रहे हैं? छोड़ दीजिए, मैं इन पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने अनुभव नहीं किया, नहीं देखा, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आप क्यों मानते हैं, आप कैसे मानते हैं इसको? किसी ने कह दिया आपको मानते हैं, या मंदिर में पूजा लोग करते हैं लोग ज्यादा इसलिए मान लिया, या फिर आपने खुद देखा इसलिए आप मान लिया? हजारों साल से देवी देवता की पूजा करने वाले वो थोड़ी मूर्ख होंगे। हाँ भाई, अच्छा हजारों वो सालों मूर्ख से, नहीं, रुकिए चलो रुकिए वो मूर्ख नहीं है रुकिए, तो फिर वो इंटेलिजेंट कैसे हो गए, ये भी तो सिद्ध करो ना। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कैसे हुए? क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करके क्या देश की समाज की क्या ऐसा उखाड़ लिया, क्या ऐसा कर दिया, आप ये बताइए। एक एग्जाम्पल दीजिए जिसने देवी देवताओं के बल पे कुछ बहुत सराहनीय कार्य किया हो। हाँ देवी देवताओं के बल पे मैंने सिर्फ ये देखा कि उनके नाम पे मार काट, नरबलि, पशु बलि और मॉब लिंचिंग, हिंसा, पैसे आपसी मार वसूली। काट, ये सब देखा। हाँ ये सब मैंने अरे देखा, वो, अब तुम ऐसा कुछ सराहनीय कार्य बताइए। तो अंधविश्वास है ना, वो अंधविश्वास है, मार काट बली। तो अंधविश्वास हो किसके धर्म नाम पे ग्रंथों रहा, में भगवान के ना? क्यों? तो नहीं, तो वो भगवान के नाम पे हो रहा है तो फिर वो तुम्हारा भगवान रोकता क्यों नहीं, ये बताइए। भोजन क्रांति जी, एक सवाल है, एक आप सवाल है, वो एक भी तो नहीं सवाल बना का रहे, जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे कोई भी सवाल का। भोजन क्रांति जी एक बार बताइए, जलिया वाला बाग कांड को जानते हैं? आपने सुना था? हाँ पता है, पता है, क्या हुआ था उसमें, पता है आपको? पता है हमें, पर क्या पता है वो, बताइए क्या पता है उसमें आपको? जनरल डायर ने जो सभा हुई थी, जो सिख लोगों का त्योहार था, उसमें सभा अच्छा, भरी सिख थी लोगों का सवाल था। और सिख लोगों का, तो उसमें जनरल डायर ने गोली चलाई थी, तरह तरह बहुत बड़ा इतिहास है।
भगवान कहाँ गए थे उस टाइम? भगवान ने हमें जब निर्दोष बच्चों को मारा गया, निर्दोष बच्चों को मारा जा रहा था और निर्दोष औरतों को मारा जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, तो भगवान कहाँ गए थे उस समय? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या सब लोग पापी थे जितने लोग मरे थे? वो कलयुग की धरती आज तो आज पाप। ओ भाई अब क्या क्या कलयुग, सवाल का जवाब दो ना। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुजन क्रांति जी, जिसकी आप राजीव दीक्षित जी की जिसकी प्रशंसा करते हैं ना, वो सांप है जो खुद का बिल नहीं बनाते, दूसरे के बिल में रहने पर रहना पसंद करते हैं, उसी को काटते हैं। चलिए ये भाग गए सर, ये भाग गए, ये छोड़ के भाग गए लाइव स्ट्रीम।